बात करें कि हुकूमत जो डिलीवर कर सकती है कर सकती है, आपको जवाब मिल जाएगा। तो हमने तो इनकी तरफ काफ़ी हाथ बढ़ाए और ये जो लेटर था, देखिए कुछ बातें होती हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान होती है, जो प्राइवेट होती है जिसको हम पब्लिक नहीं करते, लेकिन अली जैदी साहब ने हमारे जवाब को पब्लिक कर दिया और उसको कॉन्टेंट को अंडरस्टैंड नहीं किया, उसको बड़ा वाजे हर चीज़ लिखी है। तो जो लोग कॉन्फिडेंशियल कॉन्वर्सेशन को भी जो है कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते, उनसे हम क्या तवक कर सकते हैं। बाकी हमारी जो एंट्री होगी तो गैलरी के बिल्कुल पीछे से दरवाजे से होगी मीडिया के, ठीक है। हम आपके कार्ड जो है वो इंशाल्लाह यहाँ आपके तराने वो भी ले आए, उसमें भी लोग यहाँ पे रहे, अगला कमरा है वो वैसे विजिट भी कराएं कारण के साथ अच्छे कार्टून जो है ना, जो जिम्मेदार हैं, जो लोगों को लाएंगे, जो भी अगर वो भी आके जगहें देख लें कहाँ से आना है क्या होना है, तो फिर मैनेजमेंट ज़रा कम ये मीडिया टर्म ज़रूरी चीज़ है जी। आप बताएंगे ज़रा ये कुर्सियों का और ये इंतज़ामात जो उसमें कितनी कुर्सियां लगवाई जा रही हैं। अच्छा देखिए, कुर्सी जलसा रिवायत नहीं थी हमारी और इसमें हम कुर्सी बिल्कुल थोड़ी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें ख़वातीन बैठ जाएं, कुछ बुज़ुर्ग बैठ जाएं। ये अवामी स्टाइल का जलसा होगा, ये अंदर तो होगा होगा, मैं कहती हूँ इस जलसे को देखना है ना तो एरियल इसका जो है वो व्यू करना होगा कि कहाँ तक लोग होंगे और 50 से ज़्यादा होंगे। और खान साहब ने कहा था जिस दिन 100 लोग भी 50 लोग भी खड़े हो गए तो मैं छोड़ दूंगा, तो अब ये 50 से ज़्यादा होंगे। मेरे तर्जुमान रख ले और सारे दिन वो तर्जुमान जो हैं ऑपोजिशन की कीड़े निकालते रहें और बजाय इसके कि अपना कोई काम बताएं ऑपोजिशन पे मलबा गिराते रहें, तो इसका मतलब है हुकूमत बौखला ही है। लेकिन जब से PDM बनी है हुकूमत घबरा गई है और हुकूमत समझ गई है कि उसका जाना ठहर गया है। और आप ये देख लें कि इंतकामी कार्रवाइयों में वो इतने आगे चले गए कि हमारे लीडर्स तो गिरफ़्तार कर ही रहे थे, वो हमारे लिए कोई नया मसला नहीं है, हमारे लीडर्स ज़हनी तौर पर तैयार रहते हैं। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो इस वक्त कल जो पहला जलसा है गुजरांवाला में, उसके होने से पहले जो हुकूमत ने एक फॉशिज़म फैला रखा है, फॉशिस्ट हुकूमत, और उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं सारे SHOs बदल दिए गए गुजरांवाला के, ऐसे SHOs लगाए हैं जो खड़े होकर होल्डिंग्स उतार रहे हैं, ऐसे लगाए हैं जिन्होंने बेचारे काट के उल्लू, और वो जो हैं उनका काम सिर्फ एक है कि कहाँ कहाँ मीटिंग हो रही है वहाँ पे छापा मारना, बैठकों में लोगों को गिरफ्तार करना। और हद तो ये है कि कोरोना की SOPs की खिलाफ वर्जी वो करने के ऊपर जो है वो पर्चे काटे गए हैं। ये बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह से मुख्तलिफ ख़ास तौर पर पंजाब में पीपल्स पार्टी के कार्यक्रमों पर ख़त्म करें, ऑपोजिशन भी आवाम है जी तो वो पहले ही नहीं पा रही है। आसिफ जरदारी साहब हॉस्पिटलाइज उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए, बिल्कुल, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सबके लिए उनका एक ही ख्याल है कि उनका मुखालिफ भी जिंदा ना रहे, उनके खिलाफ कोई बोलने वाला ना रहे। सब कुछ करके वो देख चुके, पहले उन्होंने इंतकामी कार्रवाई की, करप्ट कहा, करप्शन के गुब्बारे में फूंकते रहे, थक गए, हवा निकल गई, फिर उन्होंने दोबारा सांस लिए, अब क्या करें, उन्होंने दोबारा फूंक मारी, गद्दार हैं अभी आगे नहीं पहुंचे थे, थक गए, वो फूंक भी निकल गए। उसको गिरफ्तार देखिए आसिफ जरदारी साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं, ओके करें, लेकिन एक वर्कर को आप गिरफ्तार कैसे कर रहे हैं, और वो तो हॉस्पिटलाइज है, पहले भी जो है कोर्ट से उन्होंने जमानत बीमारी के ग्राउंड पर ली है। और शेख रशीद साहब बार बार कहते थे कि जरदारी साहब बहुत बीमार हैं, तो वो हुकूमत जिसके सीने में दिल नहीं है, जो अपनी आवाम के साथ अच्छा नहीं कर सकती, मुल्क के साथ नहीं अच्छा कर सकती, तो ऑपोजिशन लीडर को जो ऑपोजिशन लीडर हैं पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियाँ जारी हैं और
Thank you.